हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जल्दी ही समाप्त होने वाला है और 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की शुरुआत होने वाली है। इसलिए आपके पास बैंक, पैन कार्ड, म्यूचुअल फंड, LIC और सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए जरूरी काम निपटाने के लिए बस कुछ ही दिन का समय बचा है। यदि आप इस वीडियो में बताए गए जरूरी कामों को 31 मार्च 2023 से पहले नहीं निपटाते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं 6 जरूरी ऐसे काम जिन्हें निपटाने के लिए आपके पास केवल 31 मार्च 2023 तक का ही समय बचा हुआ है। PM व्यय वंदना योजना इन्वेस्टमेंट। यदि आप कोई वरिष्ठ नागरिक हैं और PM व्यय वंदना योजना के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो अभी आपके पास फिलहाल इस योजना में निवेश करने के लिए 31 मार्च 2023 तक का ही समय बचा है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा 60 साल या फिर 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए इस पेंशन योजना को चलाया जाता है और PM व्यय वंदना योजना को PMVVY स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आपकी उम्र 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से अधिक है और आप इस योजना में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास 31 मार्च 2023 तक का समय है, क्योंकि अभी तक सरकार द्वारा PM व्यय वंदना की तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। पैन कार्ड टू आधार कार्ड लिंक। यदि आप एक पैन कार्ड धारक हैं और अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो अब आपके पास केवल 31 मार्च 2023 तक का ही समय बचा है, नहीं तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2023 तक यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप यदि अपने पैन कार्ड को किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसलिए यदि अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च 2023 से पहले आप लेट फीस के साथ पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CVDT ने 30 जून 2022 के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1,000 रुपए का लेट फाइन तय किया हुआ है। इसलिए आप याद रखें कि आप बिना लेट फाइन दिए अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाएंगे। पैन कार्ड को ऑनलाइन आधार कार्ड से लिंक कैसे करते हैं, इस पर हमने डिटेल के साथ वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारा ये वाला वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। SBI अमृत कलश डिपॉजिट स्कीम। यदि आप भारतीय स्टेट बैंक की कम दिनों की FD में निवेश कर ज्यादा ब्याज लेना चाहते हैं तो आप SBI अमृत कलश डिपॉजिट स्कीम में 15 फरवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक निवेश कर सकते हैं। SBI अमृत कलश डिपॉजिट स्कीम में जनरल सिटीजन्स को निवेश करने पर 7.1% की सालाना ब्याज दर से रिटर्न दिया जा रहा है और सीनियर सिटीजन्स यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को 7.6% की सालाना ब्याज दर से रिटर्न दिया जा रहा है। परंतु SBI अमृत कलश डिपॉजिट स्कीम में आपको 400 दिनों के लिए निवेश करना होगा। SBI अमृत कलश डिपॉजिट स्कीम की पूरी जानकारी के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारा ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। यदि आपने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक टैक्स इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो जल्द ही कर दें, क्योंकि आप PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की FD और ELSS आदि में निवेश करके सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास 31 मार्च 2023 तक समय है। म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन। यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि यदि आप अभी तक म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रोसेस को पूरा नहीं किए हैं तो जल्द ही कर लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन ऐड करने के लिए आपके पास 31 मार्च 2023 तक का ही समय बचा हुआ है। ऐसा नहीं करने पर आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। इसलिए 31 मार्च 2023 से पहले म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनेशन को ऐड जरूर कर लें। LIC पॉलिसी इन्वेस्टमेंट। यदि आपने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ऑफ इंडिया की हाई प्रीमियम वाली पॉलिसी में निवेश किया हुआ है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आपको बता दें कि 5 लाख रुपए से ज्यादा सालाना प्रीमियम वाली LIC पॉलिसी पर अब 31 मार्च 2023 के बाद टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसकी जानकारी पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में दे दी थी, इसलिए अब ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होने जा रहा है। 5 लाख रुपए से ज्यादा सालाना प्रीमियम
प्रीमियम वाली LIC पॉलिसी पर टैक्स छूट लाभ की पूरी जानकारी के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ये है वो 6 जरूरी काम जिन्हें आपको 31 मार्च 2023 से पहले निपटा लेना चाहिए, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।